हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लास एम्फीबिया डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने सुपर क्लास स्पाइसेस को डिटेल में डिस्कस किया था। उसकी दो क्लासेस देखी थी हमने, कॉन्डिस्थाइस और ऑस्टिस्थाइस। बच्चों, मैंने एक चार्ट बनवाया था आपको, जिसमें हमने कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे। तो देखिए, जो कॉर्डेट्स थे इनको टू सब डिवीज़न में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। देखिए, मैं एक शॉर्ट रिवीजन दे रही हूँ। दिस इज कॉर्डेट। कॉर्डेट को टू डिवीज़न में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, जिसमें जॉ प्रेजेंट थे और जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं थे। जिन डिवीज़न में जॉ प्रेजेंट नहीं थे बच्चों, उनको बोला गया था एग्नेथा, और जिनमें जॉ थे, दिस इज ग्नेथो स्टोमेटा। ठीक है, अब गिनेथा की एक ही क्लास थी, दिस इज साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, बताया था इनमें मतलब जॉ प्रेजेंट नहीं था, सकिंग माउथ होते थे, और ये एक्सक्लूसिवली कैसे थे बच्चों, मरीन थे। ग्रेथोस्टोमेटा को फर्दर डिवाइड किया टू सुपर क्लास में, दो सुपर क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ लिम्स या फिन्स। दो सुपर क्लास में डिवाइड किया, ऐसी क्लासेस जिसमें एनिमल में लिम्स हो रहे थे और जिसमें फिन्स हो रहे थे। जिसमें फिन्स प्रेजेंट थे उनको बोला गया दिस इज पाइसेस, और जिसमें लिम्स थे उनको बोला गया बच्चों सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसेस में फर्दर डिवाइड हुए टू क्लास में, फर्स्ट वन इज कॉन्डिस्थाइस और सेकंड थी बच्चों ऑस्टिस्थाइस, जो कि मैं पहले क्लास में करा चुकी हूँ। और टेट्रापोडा डिवाइड किया फोर क्लास में, फर्स्ट वन इज एम्फीबिया, सेकंड रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लास एम्फीबिया आज हम पढ़ेंगे। तो इस चार्ट से आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉर्डेटा की कॉर्डेट्स के पार्ट में डिवाइड थे बच्चों, तीन क्लास में, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, देन वर्टिब्रेट्स। तो ये कॉर्डेटा की कौन सी क्लास थी, दिस इज वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स को हमने बोला था बच्चों प्रोटोकॉर्डेटा, और जो वर्टिब्रेटा थे इनको फर्दर डिवाइडेड किया ऑन द बेसिस ऑफ जॉ लाइन, जिनमें जॉ प्रेजेंट था दिस इज गिनेथोस्टोमेटा, और जिनमें जॉ नहीं था दिस इज एग्नेथा। एग्नेथा में सिर्फ एक ही क्लास आई थी, साइक्लोस्टोमेटा, और गिनेथोस्टोमेटा में टू सुपर क्लासेस में ये डिवाइड हुआ। फर्स्ट वन इज स्पाइसेस और सेकेंड आया बच्चों टेट्रापोडा। स्पाइसेस में दो क्लासेस आई, कॉर्डिस्थाइस और ऑस्टिस्थाइस, जैसी फिशेस। एक में जो एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेज का बना था कॉन्डिस्थाइज में, और कुछ फिशेज ऐसी थी जिसमें जो एंडोस्केलेटन था वो किसका बना हुआ था बच्चों, बोन्स का। और टेट्रापोडा एक ऐसी सुपर क्लास थी जिसके अंदर क्या मिल रहे थे, चार लिम्स, तभी इसको बोला टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स फोर और पोडा मीन्स लिम्स। तो टेट्रापोडा में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एम्फीबियंस से। ठीक है, ये आई थिंक पूरा ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देखिए, जो एम्फीबियंस होते हैं कैसे होते हैं। इससे पहले जब हमने देख रहे थे बच्चों पाइसेस, तो पाइसेस कैसी थी, दिस इज टोटली एक्वेटिक, मतलब ये कहाँ मिल रही थी, सिर्फ पानी में ही मिल रही थी, पानी के सिवा इन ये दूसरी जगह प्रेजेंट नहीं थी। आप जो एम्फीबियंस हैं, ये आपको नाम से ही क्लियर हो गया, एम्फी, एम्फी मीन्स बोथ, और बिया मतलब बायोज, बायोज मीन्स लाइफ, बोथ मीन्स टू। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जो कि जिनकी लाइफ टू जगह पॉसिबल है, फर्स्ट वन इज एक्वेटिक और सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल। तो एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी लाइफ को टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी पूरी कर सकते हैं और वाटर में भी। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, दिस इज टेरेस्ट्रियल एज वेल एज
एक्वेटिक। तो जब हम इनकी हैबिट एंड हैबिटेट की जब हम बात करते हैं तो इनकी हैबिट एंड हैबिटेट कैसे होते हैं, दिस इज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में बच्चों रहना पसंद करते हैं। एम्फीबियंस का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आ जाता होगा, फ्रॉग, राना टिकरीना जिसको बोलते हैं, टोड हो गया, गुफ हो गया, ये तो हमको पता है। बट सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछने का आता है कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा क्लासिकल है, तो इसमें आता बच्चों इक्थियोफस। क्या आता है, इक्थियोफस, इक्थियोफस आता है और आता है बच्चों आपका सैलामेंडर। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आ गया आपका टोड हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है, दिस इज इक्थियोपस हो गया और सैलामेंडर, इक्थियोपस और सैलामेंडर, दिस इज सैलामेंडर। टोड हुआ, फ्रॉग हुआ, इक्थियोपस हुआ और क्या हुआ बच्चों, सैलामेंडर। तो ये सब क्या है बच्चों, एम्फीबियंस के क्या है बच्चों, एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। तो देखिए ये सब कैसे हैं, कॉर्डेट्स हैं। तो आगे से ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री कैसी होगी बच्चों इनमें, सिमेट्री ये बाईलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। कैसे सिमेट्री शो करेंगे, दिस ऑल शो बाईलेटरल सिमेट्री। हमने इनके हैबिट एंड हैबिटेट की बात की, दिस इज एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। सिमेट्री जब देखी जाए, सिमेट्री तो ये कैसी सिमेट्री शो करेंगे, बाईलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन जंस लेयर होंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट होगा। और क्या होगा बच्चों इनमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट्स होंगे, ऑल आर सीलोमेट। तो आपने देखा इनकी हैबिट एंड हैबिटेट, दिस इज प्रिफर एक्वेटिक एंड एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सिमेट्री इनकी बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं, सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पर ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म्स लेयर इनमें मिलेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जब मेसोडर्म मिल रही है तो इनमें क्या मिलेगा बच्चों, आपको हार्ट भी देखने को मिलेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा, मतलब माउथ होगा एक तरफ और दूसरी तरफ क्या होगी बच्चों, एनस। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इनमें देखने को मिलेगा। सीलोमेट एनिमल होंगे, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। तो वी कैन सी दैट ऑल एम्फीबियंस आर सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल, सिमेट्रिकल, इस टाइप के एनिमल्स होते हैं। अब इनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ये जानने लायक हैं कि जो इनकी स्किन होती है वो कैसी होती है बच्चों, मॉइस्ट होती है। कैसी होती है, जो इनकी स्किन होती है इन एम्फीबियंस की, वो होती है मॉइस्ट स्किन, मतलब लसलसी सी, चिपचिपी सी स्किन होती है। इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है बच्चों, इनकी स्किन होती है मॉइस्ट, मतलब एक चिपचिपी सी लसलसी सी इनकी स्किन होती है। इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है बच्चों, रेस्पिरेशन होता है इनमें थ्रू गिल्स, गिल्स प्रेजेंट है इनमें, लंग्स प्रेजेंट है, और किसके थ्रू होता है, और स्किन के भी थ्रू। तो क्योंकि इनकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट है, लसलसी सी है, तो डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है बच्चों गैसेस का। तो रेस्पिरेशन होता है इनमें गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और इनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू। कंप्लीट डाइजेशन होता है इनमें, एक्सक्रीशन होता है। और बच्चों इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट ये कैसे होते हैं बच्चों, ओवीपेरस, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, दीज आर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग
एनिमल कैसे होते हैं, दीज आर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम, दिस आर ओविपेरस, मतलब ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है बच्चों, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है इनडायरेक्ट, मतलब डेवलपमेंट कहाँ होगा इनका, वाटर में होगा, तो ये लार्वा फॉर्म करेंगे फिर न्यू वंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो ओविपेरस अंडा देंगे, अगर बच्चे देते तो उनको बोलते हैं बच्चों विविपेरस, तो ह्यूमंस वगैरह हम सब कैसे हैं बच्चों, विविपेरस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। और डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ आपको देखने को मिलता है। डेवलपमेंट आपको इनडायरेक्ट मतलब लार्वा को शो कर रहे हैं, और फर्टिलाइजेशन भी आप लिख लीजिए, फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ एक्सटर्नल मिलेगा। एक्सटर्नल क्यों मिलेगा, क्योंकि जो एम्फीबियंस हैं टेरिस्ट्रियल लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी, तो जब इनको मेटिंग करनी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो उसके लिए कहाँ जाते हैं बच्चों, वाटर में। तो वाटर क्या है, एक मीडियम होगा, वहीं अपने ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को वहीं रिलीज करते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी में नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहा है, इसी वजह से इनको बोलते हैं बच्चों कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, दिस इज शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनमें बच्चों इनकी बॉडी पे क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि हमने फिशेज में देखा था कि कॉन्डिस्थाइज और ऑस्टिस्थाइज में, कॉन्डिस्थाइज में प्लिकॉइड स्केल्स थे और ऑस्टिस्थाइज में साइक्लॉइड स्केल्स, मतलब एक कुछ देखिए मैंने जो फिशेज बताई थी, दिस इज कॉन्डिस्थाइज, आप देख के बता सकते हैं क्योंकि माउथ कैसा है इसका, वेंट्रल साइड है, तो इनकी बॉडी पे कुछ इस टाइप के स्केल्स मिल रहे थे, इस स्केल्स को बोला था हमने प्लिकॉइड स्केल, दिस इज प्लिकॉइड स्केल। और जो ऑस्टिस्थाइज थी जिनमें माउथ यहाँ था, इनकी बॉडी पे ऐसे ऐसे सी शेप के स्केल्स मिल रहे थे, इनको बोला था साइक्लॉइड, ठीक है। बट इनकी बॉडी पे कैसी है, मॉइस्ट है, लसलसी है, तो यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, स्केल्स इज नॉट फाउंड, स्केल्स इज नॉट फाउंड, मतलब इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है, लसलसी सी होती है, बॉडी पे स्केल जैसी कवरिंग नहीं होती, तो ये देखने में आपको सॉफ्ट सॉफ्ट से लगते हैं। तो प्लिकॉइड स्केल आपको मिल रहे थे कॉन्डिस्थाइज में, और साइक्लोइड मिल रहे थे बच्चों किसमें, ऑस्टिस्थाइज में, इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं है। इनका इनमें हार्ट मिलता है बच्चों, पाइसिस में मैंने बताया था टू चैम्बर्स हार्ट था, एक चैम्बर ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल, तो यहाँ पे एम्फीबियंस की बॉडी में थ्री चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, हार्ट मिलता है कितना बच्चों, हार्ट हार्ट मिलेगा आपको थ्री चैम्बर हार्ट मिलता है, इसमें क्या होंगे टू टू ऑरिकल और वन वेंट्रिकल, आप देख पा रहे हैं इनकी बॉडी में टू चैम्बर हार्ट मिल सॉरी थ्री चैम्बर हार्ट मिलता है, टू इसमें दो ऑरिकल्स होंगे, दो एट्रिया होंगे और एक क्या होगा बच्चों वेंट्रिकल, कुछ इस टाइप से आप इनका हार्ट होगा, देख रहे हैं आप, तो एक ऑरिकल ये हुआ, एक ऑरिकल ये हुआ और वेंट्रिकल कितना हुआ, सिर्फ एक वेंट्रिकल। तो इनकी बॉडी में थ्री चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलेगा, और पाइसिस में फिशेस में कितने चैम्बर मिल रहे थे बच्चों, फिशेस में आपको मिल रहे थे टू चैम्बर हार्ट, बट एम्फीबियंस के केस में आपको थ्री चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, तो इसमें दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। इनमें बच्चों जो एम्फीबियंस होते हैं इनकी होल बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है बच्चों हेड और दूसरा होता है ट्रंक, जैसे कि फ्रॉग आपने देखा होगा
जो फ्रॉग है उसमें आपको हेड दिखेगा और क्या दिखेगी बच्चों, बॉडी। इनकी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, एक मेम्ब्रेन होती है टिम्पैनम जिसको बोला जाता है, वो किसका जैसा वर्क करती है, वो ईयर की तरह वर्क करती है, टिम्पैनम, टिम्पैनम लाइक अ ईयर। जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है वो हार्ट की तरह ईयर की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देती है। इसमें आप एम्फीबियंस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख लीजिए कि इसका जो एलिमेंट्री कैनाल हुई या यूरिनरी ब्लैडर हुआ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक कॉमन ओपनिंग में जाके खुलते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों क्लोएका। क्लोएका इज अ इस पे लिखिए क्लोएका इज अ कॉमन कॉमन सैक इन विच एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक आर ओपन। तो क्लोए का एक ऐसा चैम्बर है, एक ऐसा सैक है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल हुई, यूरिनरी ब्लैडर हुई या रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो आकर खुलता है। तो आप बना सकते हैं कि दिस इज अ क्लोएका, यहाँ से आ रही है एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से आ रही है बच्चों रिप्रोडक्टिव ट्रैक और ये आ रहा है बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। तो आप देख रहे हैं ये कॉमन चैम्बर हो गया क्लोएका, यहाँ से आ गई एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक और दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। तो ये कॉमन पैसेज है, कॉमन चैम्बर है क्लोएका, जिसमें आपको गैमेट्स भी मिलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन भी मिलेगा और एलिमेंट्री कैनाल का आपको फूड भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोएका क्या होता है। जैसे कि मैंने ऑस्टिस कॉन्डिस थाइस में बताया था क्लास्पर, क्लास्पर के बारे में, तो क्लास्पर क्या थे, एक मेटिंग ऑर्गन की तरह वर्क कर रहा था ऑस्टिसाई फिशेज में, जो उसकी तुलना हमने किससे की थी, पीनस से, जो कि मेल गैमेट्स को फीमेल पार्ट तक लेके जा रहा था क्लास्पर। तो इसी तरह से जो वहाँ पे क्लास्पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था और यहाँ पे बच्चों जो क्लोएका है ये कॉमन पैसेज है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, एलिमेंट्री कैनाल का और यूरिनरी ब्लैडर का। टिम्पैनम एक ईयर की मेम्ब्रेन होती है, इनमें प्रॉपर ईयर वगैरह प्रेजेंट नहीं होते तो ये एक ईयर की तरह वर्क करने लगता है, इनको सुनने में ये हेल्प करता है। तो ऑलमोस्ट इनके सारे जो फीचर्स हैं वो मैंने करा दिए हैं और देखिए आप फिर एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करा देते हैं। चलिए मैंने स्टार्ट किया था एम्फीबियन से, एम्फीबिया टेट्रापोडा की फर्स्ट क्लास है और ये किस में आते हैं बच्चों, कॉर्डेट्स के वर्टिब्रेट में। जैसे कि अभी मैंने पूरा फ्लो चार्ट बनवाया था, कॉर्डेट्स डिवाइड हुए तीन कैटेगरीज में, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट देन वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट ये एक्सक्लूसिवली मरीन थे, सिर्फ सी वाटर में ही मिल रहे थे और इसीलिए इनको प्रोटोकॉर्डेट्स बोला, और जो वर्टिब्रेटा थे ये थोड़े हायर थे प्रोटोकॉर्डेट थे। तो जो वर्टिब्रेटा थे इनको फर्दर डिवाइडेड किया टू डिवीजन में ऑन द बेसिस ऑफ जॉ लाइन, जिसमें जॉ प्रेजेंट थे उनको उनको बोला गिनेथोस्ट्रोमेटा और जिसमें जॉ नहीं थे उसको बोला बच्चों एग्नेथा। एग्नेथा में जॉ प्रेजेंट नहीं थे, एग्नेथा की सिर्फ एक ही क्लास थी साइक्लोस्ट्रोमेटा, साइक्लोस्ट्रोमेटा में सकिंग माउथ था। और जो गिनेथोस्ट्रोमेटा है इसको फर्दर डिवाइडेड किया टू सुपर क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स और ऑन द बेसिस ऑफ लिम्स, ऐसे एनिमल्स जिसमें फिन्स प्रेजेंट हो रहे थे उनको बोला हमने पाइसेस, और ऐसे एनिमल जिसमें लिम्स थे मतलब
हाथ पैर प्रेजेंट हो रहे थे उनको बोला टेट्रापोडा। तो जिसमें फिन्स थे उनमें बोला हमने पाइसेस, पाइसेस में दो क्लासेस थी, पॉन्डिस थाइस देन ऑस्टिस थाइस, जिसको हमने पहले डिटेल में देखा है प्रीवियस वीडियो में। और जो टेट्रापोडा थे, टेट्रापोडा एक सुपर क्लास थी। तो टेट्रापोडा की चार क्लासेस डिवाइड हुई, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो आज हमने देखा है बच्चों एम्फीबियंस। तो एम्फीबियन इज अ क्लास ऑफ सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है। तो एम्फीबियंस नाम से ही क्लियर है, एम्फी मीन्स बोथ और बायोज मीन्स लाइफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि टू टाइप का जीवन यापन करते हैं, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनमें की जो बॉडी होती है वो मॉइस्ट होती है, बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते जिससे बॉडी में हार्डनेस नहीं होती, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीरम प्रेजेंट है। और इनमें क्या होता है, हार्ट जो होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, टू ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। कान वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, तो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है टिम्पैनम, जो कि कान की तरह वर्क करता है। रिप्रोडक्शन इनमें एक्सटर्नल होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोएका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोएका एक कॉमन पैसेज होता है, कॉमन चैम्बर होता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक आकर खुलते हैं। तो इसी के साथ आपका जो क्लास एम्फीबियन है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में बच्चों हम क्लास रेप्टिलिया डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए प्लीज़ प्लीज़ बार बार बोला जा रहा है, इन वीडियोस लेक्चर को आप देखिए तो आपको चीज़ें टिप्स पे क्लियर हो जाएंगी, एनिमल किंगडम आपको बहुत ईजी लगेगा। बार बार प्लीज़ इन वीडियोज़ को आप देखिए। थैंक यू सो मच।